Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James School. यह class 5th के student के लिए है. Chapter 2nd, word. Second chapter, word. Word क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसकी हम टुकड़े नहीं कर सकते या नहीं किए जा सकते, word कहलाते हैं. इस chapter में हम word की परिभाषा, वर्ड के भेद, वर्ड के प्रभेद पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं. वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड कहलाते हैं. टुकड़े मतलब खंड नहीं किए जा सकते, जिससे जिन वर्डों को उससे ज्यादा छोटे वर्ड में नहीं लिखा जा सकता. जैसे हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, भाषा क्या है? विचार के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है. भाषा हम अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं? वाक्यों में बोल करके. और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्द और शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं. और शब्द कैसे बनते हैं? वर्ड और वर्ड मिलकर शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड क्या है. भाषा की मूलतम इकाई वर्ड कहलाती, मतलब सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती. जैसे का, ये क्या है? वर्ड. ये क्या बना? का अलंत आ प्लस रा अलंत प्लस आ, ये बना हमारा कर. तो ये है वर्ड. इन वर्डों को हम इससे छोटे वर्ड में नहीं लिख सकते, ये अपने मूल रूप में इनको कहते हैं वर्ड. तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनको हम उससे छोटा नहीं लिख सकते, मतलब इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसको विभाजित नहीं कर सकते, वो वर्ड है. भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई, छोटी इकाई वर्ड है. वर्ड और वर्ड मिलकर के ही शब्द बनता है, शब्द और शब्द मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं. तो हमने यहां बताया वर्ड. अब आगे इससे बढ़ते हैं वर्णमाला. वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिख करके व्यक्त किया गया है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं. वर्णों का एक निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है. वर्णों के भेद, वर्ड के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं? वर्ड के दो भाग होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन. स्वर क्या है? वे वर्ड जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ड कहलाते हैं. वर्णमाला में जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, हम उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं. जैसे का, ये हमारे स्वर वर्ण. आगे है व्यंजन वर्ण. व्यंजन वर्ण क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं. का से लेकर के मा तक व्यंजन वर्ण होते हैं. जैसे का, खा, गा, घाना, चा, छा, जा, जाया, टा, ठा, डा, ठा, पड़ा, ता, पा, फा, बा, फा, मा. ये हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं, का से लेकर के मा. स्पर्श व्यंजन वर्ण. उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण आते हैं, या रा, ला, वा. ये
अंतस्थ है, उसके बाद है श श श ह श श श ह, ये उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण है जिनको बोलने के लिए गर्मी थोड़ी सी घर्षण होता है जीवा के बीच, उन्हें उष्म वर्ण कहते हैं। जैसे श, जीवा हमारी घर्षण करती है, कहीं स्पर्श नहीं करती लेकिन घर्षण करती है, श श श ह उष्म वर्ण कहते हैं। का से लेकर के मातक स्पर्श कर व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमारी जीवा किसी न किसी विशेष अंग को स्पर्श करती है। जैसे का से कव, का खा ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, गला है, जीभ का सीधे ये गले से निकलते हैं। च छ ज झ, च वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ ताल को स्पर्श करती है, जैसे इनको ताल, च से लेकर के च छ ज झ यहाँ तक इनके उच्चारण करते समय हमारी जीभ ताल को स्पर्श करती है, जिन्हें हम च वर्ण कहते हैं। उसका है, उसके बाद है टावर। टावर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, जीवा हमारी जो है, जीव हमारी जो है वो बोलते समय उच्चारण करते समय मूर्धा को स्पर्श करती है। उसके बाद है ता था दा धा ना, ये दंती वर्ण कहे गए हैं क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांत को स्पर्श करती है, मतलब इन वर्णों को बोलने में दांत की भी सहायता ली जाती है, इन्हें दंती वर्ण कहते हैं टावर। उसके बाद है पद, पा खा वा भा मा, इन वर्णों को बोलते समय हमारे ओठ स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, उनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं, मतलब इनको बोलने के लिए जीवा की सहायता, ओष्ठ की सहायता ली जाती है। तो का से मा तक जितने वर्ण है स्पर्श व्यंजन है, जीवा कहीं ना कहीं किसी को स्पर्श करती है विशेष को। या प्लस मा हलन प्लस आ
प्लस ला हलन प्लस ता। अब देखिए इसमें स्वर कौन कौन सा है और व्यंजन कौन कौन सा। यह है का व्यंजन वर्ण, का में अ छिपा रहता है, का आ अलग करने के लिए हम हलन लगाते हैं। हमेशा हम व्यंजन वर्णों को अलग करने के लिए एक चिन्ह लगाते हैं जिसको हम हलन कहते हैं। अब ये मूल वर्ण है, इसमें स्वर नहीं है। का आ मा व्यंजन है, इसमें से आ अलग करने के लिए हमने इसमें हलन लगाया है, ये मूल व्यंजन हो गया। उसके बाद अ ला पे हलन प्लस आ, ये वर्ण विक्षेप है, वर्ण विक्षेप वर्ण है, इसमें हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं, ये वर्ण विक्षेप कहलाता है। आगे है वर्ण संयोजन, वर्ण विक्षेप का बिल्कुल उल्टा वर्ण संयोजन कहलाता है, इसमें हम वर्णों को अलग अलग करते हैं वर्ण विक्षेप में, और वर्ण संयोजन में हम वर्णों को इकट्ठा करके एक साथ लिख देते हैं जिसको वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ड में हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ड की परिभाषा, उसके बाद वर्णमाला, उसके बाद वर्ड के टेप स्वर और व्यंजन, उसके बाद अनुस्वार विसर्ग अनुनासिका, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनि ज और फा, वर्ड विक्षेप और वर्ड संयोजन। अब इसके हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विशेष इसकी परिभाषा है, वर्ड किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वह वर्ड कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। टॉपिक है हमारा स्वरों के लिए कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं जिनको हम मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या है, जब हम स्वरों को व्यंजन के साथ लिखते हैं तो स्वरों को सीधे लिखते नहीं है बल्कि उनके चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसे मात्रा कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे हम लिखेंगे आम, ये हमारा आ है, यहाँ पे हमने ये मात्रा का केवल चिन्ह बड़े आ की केवल चिन्ह लिया है और लिख दिया है, तो हम यहाँ पे बड़ा आ ना लिख करके इसका केवल इसका चिन्ह लिख रहे हैं, इसी को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के लिए कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विक्षेप कहलाता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको समझाया। उसके बाद हमारा प्रश्न उत्तर है स्वर और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वर वर्ण कहलाते हैं। आ आ ई ई ऊ ए ऐ ओ औ स्वर वर्ण हो गए। और दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन, या रा ला वा दस्त व्यंजन, श श श वा उष्ण व्यंजन, क्षत्रिय त्र ज्ञा श्रमिक संयुक्त व्यंजन, ये हमारे वर्ण में आते हैं जिनकी हमने पूरी व्याख्या की है। आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लें।